और अब फाइनली लंबे इंतजार के बाद सलमान खान की फिल्म रेज 3 का ट्रेलर रिलीज हो ही गया। पूरे ट्रेलर में गन्स चलाते दमदार डायलॉग बोलते हुए सिकंदर के किरदार में सलमान फिल्म के सिकंदर नजर आए, लेकिन फिर भी फिल्म को लेकर जो क्रेज था, ट्रेलर उस क्रेज को बिल्डअप करने की बजाय नुकसान पहुंचाता दिखा। ट्रेलर में हर एक्टर एक शानदार एंट्री लेता है और जोरदार डायलॉग बोलता है, लेकिन ये डायलॉग इतने दमदार नहीं है कि सीटियां बज जाएं। और जब ट्रेलर में डायलॉग इतने ठंडे हैं, तो पता नहीं फिल्म कैसी होगी। कुछ किरदार जिस तरह से डायलॉग बोलते हैं, वो फिल्म के मूड के हिसाब से इंटेंस कम और जबरदस्ती के डायलॉग ज्यादा लग रहे हैं। सलमान शर्टलेस नजर आते हैं, वो भी बॉबी के साथ, यानी कि सलमान के फैंस को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस इसे ना तो रेस की फ्रेंचाइजी और ना ही सलमान की फिल्मों के लेवल से मैच करता देख रहे हैं। एक्शन से इम्प्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन रेस 3 की जो तिकड़मबाजी होती है, जो ग्रे शेड्स लिए हुए किरदारों की इंटेंसिटी होती है, वो मिसिंग है। साथ ही फॉरेन लोकेशन वाले बैकग्राउंड की भी कुछ खास झलक नहीं मिलती। वाकई में ऐसा लगता है कि रेस 3 की टीम एक दमदार ट्रेलर के साथ तैयार नहीं थी। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।